एक बार गजमुख नाम का एक असुर था। असुर मतलब राक्षस या डीमन। वो बहुत शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। इसलिए उसने भगवान शंकर की बहुत कड़ी तपस्या की। कई वर्षों तक उसने भगवान शंकर की पूजा की जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और एक दिन भगवान ने उसे दर्शन दिए। पूछा, बोलो क्या मांगना चाहते हो गजमुख? गजमुख राक्षस बोला, मैं सबसे शक्तिशाली और बलवान बनना चाहता हूँ और मुझे कोई अस्त्र न मार सके। अस्त्र मतलब वेपन। भगवान ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा, पर कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। पर गजमुख कहाँ मानने वाला था। शक्तियां मिलते ही वह सबको परेशान करने लगा। किसी का राज्य छीन लेता तो किसी से बिना वजह युद्ध करने लग जाता। सब लोग गजमुख के आतंक से परेशान थे। जब ये बात शंकर जी को पता चली, तब उन्होंने अपने बेटे गणेश जी को गजमुख को रोकने के लिए कहा। पिता की आज्ञा तो सबसे ऊपर है, तो चल पड़े हमारे गणेश जी। गणेश जी ने गजमुख को समझाया, पर वह नहीं माना और गणेश जी के साथ ही युद्ध करने लगा। गणेश जी ने युद्ध में गजमुख को घायल कर दिया। गजमुख जान बचाने के लिए चूहा बन गया। गणेश जी उसके कान पकड़कर उसके ऊपर बैठ गए और जीवन भर के लिए गजमुख को चूहे का रूप दे दिया। अब तक गजमुख समझ गया था कि उसका सामना किससे हो रहा था। उसने अपनी गलती मानी और अपने नए रूप से प्रसन्न होकर गणेश जी को धन्यवाद दिया। उसने गणेश जी से प्रार्थना भी की कि वह हमेशा उनके चरणों का दास बनना चाहता है। बस गणेश जी मान गए। गणेश जी ने गजमुख को चूहे के रूप में अपनी सवारी बना लिया और तो और वह गणेश जी का सच्चा मित्र भी बन गया।